और उसके बाद उच्च शिक्षा अधिकारी या माध्यमिक का है तो DRS चेकिंग करें, और जिला अधिकारी स्तर पर माध्यमिक में उसका परीक्षण हो कि वो सही है कि नहीं है, और अगर कोई शिकायत आती है तो जो हमारे आपने माध्यमिक शिक्षा के इतिहास में तमाम आमूलचूल परिवर्तन देखे होंगे। पहली बार हमने 1 जुलाई की जगह 1 अप्रैल से पाठ्यक्रम को अपने सत्र को प्रारंभ किया है, NCERT के पैटर्न पर परीक्षाओं को शुरू किया है, और अब पहले से ही हम लोग कुंभ मेले को देखते हुए कि कुंभ मेले के जो मुख्य स्नान हैं उनमें परीक्षाएं ना हो और विद्यार्थी बिल्कुल निष्कंटक भाव से पूरे प्रदेश में 16 कार्य दिवसों में 15 कार्य दिवस होंगे हाईस्कूल में और 16 कार्य दिवस होंगे इंटरमीडिएट में, उनमें परीक्षा का संपादन होली के पहले हो जाए, रिजल्ट समय से आ जाए। हमारा शैक्षिक रेगुलेशन एक बहुत बड़ा काम है। अब कि हमने उच्च शिक्षा विभाग में भी माध्यमिक की तरीके से परीक्षा केंद्रों का आवंटन की प्रक्रिया जो एक पूरे दुनिया में जिसके चर्चा हुई है और कई जगह पर उस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी और पिक्चर भी बनी है कि नकलविहीन परीक्षा में, तो वो चीज़ें माध्यमिक की तरह के उच्च शिक्षा में भी हो